मारुति ओमनी है फ्रेंड्स, और इस गाड़ी के अंदर दिक्कत है, इसका जो क्लच है वो बहुत हार्ड है। और ये कस्टमर का कहना है कि हमने थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे क्लच वायर डलवाया था, लेकिन क्लच वायर जल गया है फिर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लच वायर जला हुआ है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये पूरा क्लच वायर जला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये ओमनी के अंदर दिक्कत कब होती है कि जब बैटरी का अर्थिंग है फ्रेंड्स, ये सही तरीके से इंजन और बॉडी के साथ नहीं होता है लगा, तब ये क्लच वायर अर्थ हो जाता है इंजन और बॉडी के बीच में, तो ये पूरा पिघल जाता है। तो आप सही से उसका अर्थ लगाएं इंजन और बॉडी के अंदर। पूरा क्लच वायर जला हुआ है, तो अभी ये जाम हो चुका है, सही से मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये क्लच वायर है फ्रेंड्स मारुति ओमनी का, तो आप देख सकते हो पूरा जल गया। जो बैटरी का अर्थ है वो सही तरीके से बॉडी पे नहीं लगा था, इंजन पे, इसीलिए। तो जब भी क्लच वायर डालो तो ऐसा दिक्कत होती है, तो आप सबसे पहले बॉडी अर्थ इंजन का चेक कीजिए, जो इंजन पे और बॉडी पे लगा रहता है, वरना ये वायर जल भी सकता है। और ये न्यू है, कर दो फिटिंग। न्यू क्लच वायर फिटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो पैडल भी एकदम स्मूथ है। ओके